नमस्कार, आप सभी को विक्रांत तिवारी rotis.com के टीम के तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। हमारा एक नया प्रोजेक्ट जो हमने भारत के बिहार राज्य में बोध गया, जो एक बहुत ही प्रचलित और बहुत ही फेमस जगह है, जहाँ पर बुद्धिज्म के लिए, सनातन धर्मों के अपने मान्यताओं के लिए काफ़ी फेमस है, वहाँ पर हम आए हैं। और उस पर भी और ख़ास जगह है, आर्ट ऑफ लिविंग, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना था, महसूस नहीं किया था। मैं खुद भी आज पहली बार आया हूँ और मैं आपको यहाँ पर उनसे, उनके जो खास इंचार्ज है इस सेंटर के बोध गया में आर्ट ऑफ लिविंग के, उनके साथ रूबरू कराऊंगा। आपको बताऊंगा कि rotis.com ने कैसे यहाँ पर 8000 पौधे आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर के यहाँ पर लगाए हैं और उसका क्यों, कैसे देखभाल होगा वगैरह वगैरह इम्पोर्टेंट चीज़ें। सो आइए बात करते हैं। नमस्कार, आप प्लीज अपना परिचय बताइए हमारे ऑडियंस को, जो जानना चाहते हैं कि आप कौन है, मैं किससे बात कर रहा हूँ। प्लीज नमस्ते, मेरा नाम गणेश है, गणेश निचर, आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम बोध गया। मैं एक आर्ट ऑफ लिविंग का एक वॉलंटियर हूँ, जो 15 साल से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हूँ। हमारा आर्ट ऑफ लिविंग जो कि नैसर्गिक चीज़ों के कैसा जतन करना, इसके ऊपर डिपेंड है कि जैसे हम नेचर को अपने साथ रखें, उसका संवर्धन करें, संरक्षण करें, उससे जो फ़ायदा मिलता है उन लोगों को कैसे पहुँचाएँ। जैसे कि हम देखते हैं कि कोरोना काल में जो लोगों को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आया था, जिस वजह से लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे थे, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट और रोटरीज इनसे जोड़ के हमने उभार किया। जी, आपने सही कहा कि कोरोना का जो काल था, इसमें सब लोगों को बताया कि कैसे पेड़ पौधा ऑक्सीजन नेचर के हमें ज़रूरत है, महसूस किया। और इसी कोरोना काल में आपने जब rotis.com के साथ जुड़ करके लगभग 8000 पौधे यहाँ लगाए, तो वो बताएं आप कि 8000 पौधे लगाए जो, उसका क्या बेनिफिट आपको लगता है कि यहाँ पर क्यों लगाना चाहिए था और क्या बेनिफिट आपको लगता है होगा? पौधों का महत्व तो बहुत है, जैसे हम इसमें निसर्ग से दूर जाते हो तो हम तान तनाव महसूस करते हैं, जैसे लोगों के साथ रहना, जैसे सिटी में लोग हैं तो उनका माइंड सेट बहुत डिफिकल्ट रहता है उनको रहने, जैसे ही वो निसर्ग के साथ आते हैं तो ऑटोमेटिक चेंज होते हैं, उनका मन प्रसन्न होता है, शांत होता है, नई नई आइडियाज आती है। जैसे हम कोई भी ट्रीज को देखते हैं तो मन एकदम प्रसन्नचित रहता है, खुश रहता है, क्योंकि वो ट्रीज हमें ना कुछ ना कुछ दे देती है, छाव देती है, फूल देती है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वो ट्रीज को संवर्धन कर सकते हैं, और ये ट्रीज लगाने के बाद जो हमें मिल रहा है, जो भी खुशी मिल रही है, वो लोगों तक पहुँचा सकते हैं। आपने सही कहा, अभी भी हम इस पेड़ के छाव के नीचे खड़े होकर के बात कर रहे हैं। सही कहा कि पेड़ हमेशा दे देता है। ये अभी लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त में यहाँ पर, जो बारिश का सीजन है, जो खुद ही ये साबित करता है कि कैसे मौसम का बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग की बात जो कहते हैं हम, है ना, वो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं वो है, और हम इस पेड़ के छांव के नीचे खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो किसी ने ये पेड़ लगाया होगा, शुक्रिया उनका। हमारा दूसरा ये सवाल है कि जो यहाँ पौधों का जो चुनाव किया गया, उसमें किन किन तरह के पौधों को आपने सेलेक्ट किया, और आपको क्या लगता है कि वो प्रजाति का यहाँ व्यक्तिगत पर्टिकुलर प्रजाति का कोई बेनिफिट है आपको लगता है? यस यस, यहाँ पे हमने देखा है कि आम का पेड़ लगाया हमने, अमरूद है, नींबू है, नीम है, उसके बाद काजू का है, उसके बाद फिर हमने द्राक्ष भी लगाए है, उसके बाद फिर आंवला भी है, लक्ष्मी तुरु भी है। उससे क्या है कि वो एक आयुर्वेदिक पौधे भी है और हमको उससे ऑक्सीजन भी मिलता है, जो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं उससे क्या हो जाएगा कि लोग आएंगे, बैठेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, फ्री ऑक्सीजन जो लोगों ने अभी कोरोना काल में खरीद के लिया है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उससे क्या होगा कि इस पौधों के वजह से लोग अपने जीवन में उस परिवर्तन लाएंगे, खुशियाँ लाएंगे, जो हम यहाँ से जाने के बाद भी वो अपने घरों में हो, गार्डन में हो, खेतों में हो, वो पौधों का संवर्धन करेंगे। बोध गया जो है दो मुख्य चीज़ों के लिए फेमस है माना जाता है, एक है बुद्धिज्म के लिए, यहाँ पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और दूसरा यहाँ पर सनातन धर्म में आप मित्रों को अपने सिस्टर्स के लिए, उनके मोक्ष के लिए यहाँ पूजा करते हैं। तो इन पौधों का आध्यात्मिक रूप से आपको लगता है कि कोई कनेक्शन है कि यहाँ पितरों के लिए लगा सकते हैं, उनको उनको मोक्ष एक्चुअली मिलता है, इन पौधों को लगाने से फायदा है? यस, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो पीपल ट्री है बहुत ही स्पिरिचुअल है, ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, और इसमें पुराणों में लिखा भी है, जब राम जी आए थे, राम जी सीता जी इसके लिए पितरों श्राद्ध के लिए आए थे, उस टाइम में ये भी साक्षी था और उसको भी वरदान मिला था कि इसका इम्पोर्टेंट ये क्या है, वटवृक्ष, इसका क्षय नहीं होगा, वो जो को आप देखोगे वटवृक्ष को कहाँ पे भी लगा वो आएगा,
और उसपे क्या है कि उसमें मोर ऑक्सीजन देगा, जितना आपको चाहिए ऑक्सीजन वो पूरा पूरा ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट भी है कि आप यहाँ के आपके पूर्वजों के याद में कोई पौधा लगाते हो, उनको भी शांति मिलती है, आपको भी शांति मिलती है और बाकी लोग जो आसपास जो आते हैं वो भी उसका आनंद। ये जो 8000 पौधे लगाए हैं, इन पौधों को देखभाल करने का आपने क्या सोचा? क्योंकि आपने निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से लगाया है, हमने देखा भी इन पौधों को, आप पीछे देख भी हमने काफी पौधे यहाँ लगाए भी गए हैं, तो उसका देखभाल हो इसके लिए क्या आपने यहाँ के टीम के साथ क्या सोचा है? यहाँ पे हमारे यहाँ पे गुरुकुल भी है, बच्चे भी पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं पानी देंगे, उसके साथ खेलेंगे, संवर्धन करेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा प्लांटेशन करके नेचर के साथ रहने में। और यहाँ पे कोर्स के लिए जो लोग आते हैं, वॉलेंटियर्स आते हैं, वो भी लोग इस चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड है कि प्लांट लगाओ, प्लांट का जतन करो, पानी दे दो, उनको उनका भी मन परिवर्तन होता है। इसी बहाने हम लोग एक तो गुरुकुल हो गया, तो वॉलेंटियर हो गया, बाकी आश्रम जो लोग हैं आश्रम कैंपस के आसपास हो, बाहर के हो, वो लोग खुद आके वीकली एक बार दो बार आके प्लांटेशन करेंगे, ट्रीज लगाएंगे, इसके द्वारा हम इसको एक जतन कर सकते हैं। अच्छा, तो growtees.com के जो सहयोगी ने हमें सपोर्ट किया है इन पौधों को लगाने में, जो फंडिंग करते हैं, हमारे जो लोग सपोर्ट करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? हम तो बहुत खुश हुए कि कोई तो भी हमारे मदद के लिए, इस संवर्धन के लिए कोई तो खड़ा है हमारे सपोर्ट में, इसका हम स्वागत करते हैं और आगे चल के हम आशा करते हैं कि वो हमारे साथ रहे और भी मदद करे, बहुत सारा हमें काम करना है, इसके लिए हम उनके धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया करते हैं। सो गणेश जी ने आर्ट ऑफ लिविंग के टीम के तरफ से आप सभी को धन्यवाद कहा है। growtees.com के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप और भी वृक्ष लगाएं, ऐसा उनकी कामना है और मैं भी यही चाहूंगा कि हम और पेड़ लगाएं, देश को हरा भरा करें। धन्यवाद। जय गुरु।